चैप्टर है हमारा प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन जो है या हम कवर करते हैं थ्रू द स्किन और जो बॉडी कवरिंग होती है और उसको हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं या इंटेग्यूमेंट जो है वो स्किन के लिए वर्ड यूज करते हैं. इंटेग्यूमेंट लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्किन होता है. तो बॉडी कवरिंग की हम टाइप्स पढ़ेंगे. इसमें जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर ये यूजली सिंगल सेलुलर होती है और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें मल्टी सेलुलर होती है और इसकी मल्टी लेयर्स होती हैं. इसके अलावा इसमें जो है वो नर्व्स, ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स वगैरह भी हो सकते हैं. और इसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट. तो सपोर्ट अकर्स थ्रू द स्केलेटल सिस्टम और जो मूवमेंट है वो जो मसल्स होते हैं उनके थ्रू होती है एंड मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटल सिस्टम. फिर हम आगे स्केलेटल सिस्टम की टाइप्स पढ़ेंगे. लाइक थ्री टाइप्स हैं इसकी. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन व्हिच इज बेसिकली अ कोर ऑफ लिक्विड व्हिच इज सराउंडेड बाय अ शीथ और ये बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. सेकेंड टाइप इज एक्सोस्केलेटन. Exoskeleton is the rigid form of structure which is present outside the body और ये muscle attachment के लिए site provide करता है. Third type is endoskeleton और ये inside the body present होता है and it consists usually of bone and cartilage. तो आगे जो है वो हम इन तीनों type of skeletal system है इनकी भी details पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से organisms के अंदर present होता है. उसके बाद muscular system आ जाता है. Muscles is a basically a type of tissue और muscles जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं. स्केलेटल मसल्स विच आर मेंट फॉर द मूवमेंट और स्मूथ मसल्स जो कि मूवमेंट का ही रोल प्ले करते हैं बट ये प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और ब्लड वेसल्स वगैरह में. और फिर कार्डियक मसल्स होते हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और हार्ट की पंपिंग का रोल प्ले करते हैं. तो ये तो ओवरव्यू है चैप्टर का और आगे हम इसकी जो है वो सारी डिटेल्स वगैरह देखेंगे. अब तो जब हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की या स्किन की तो उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एनिमल फ्रॉम द मैकेनिकल एंड द केमिकल इंजरी बट ऑल्सो इन्वेजन बाय माइक्रोब्स. माइक्रोब्स स्किन के ऊपर जब तक कट ना लगा हो तब तक आपकी जो स्किन होती है वो सेफ होती है, उसमें माइक्रोब्स अटैक नहीं कर सकते. सेकेंडली इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन. जिस तरह से स्वेटिंग होती है तो उससे जो है वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है. इसी तरह से इसका फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटीरियल. तो स्वेटिंग मीन्स जब पसीना निकलता है तो उसके साथ सॉल्ट वगैरह भी बॉडी से निकलते हैं. तो इस तरह से ये वेस्ट मटीरियल के एक्सक्रीशन के लिए भी काम करती है. इट ऑल्सो कन्वर्ट सनलाइट इंटू विटामिन डी और ये विटामिन डी जो बॉडी में होता है उसकी प्रोडक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सनलाइट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है. इसके अलावा ये रिसीव करती है वेरियस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई सच एज पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर. फिर लोकोमोशन में भी हेल्प आउट करती है. देयर आर वेरियस ऑर्गेनिजम्स जिसमें आउटर स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है या तो उसमें ये लोकोमोशन का काम करती है. और फिर फाइनली न्यूट्रिएंट एंड गैसेस की मूवमेंट में भी हेल्प आउट करती है. अच्छा, अब हमने पढ़ना है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स और इसके अंदर हम इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे. पहली जो है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आपको इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये लिपिड बायलेयर होती है और इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सिंगल सेल प्रोटोजोन्स. जैसे अमीबा है, जैसे पैरामीशियम है, तो उनकी बाहर होती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है. चूंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है इसलिए जो इनकी पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एनवायरनमेंट के साथ इन कॉन्टेक्ट होती है. तो इस वजह से इनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो बहुत ज्यादा होता है. सो इट मींस मोस्ट ऑफ देयर कवरिंग इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट और वहां से वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से गैसेस ले सकते हैं, उसको गैसेस दे सकते हैं. तो इस तरह से इनको सिर्फ बल्क डिफ्यूजन की जरूरत होती है टू एक्सचेंज द गैसेस एंड टू रिमूव द सॉल्युबल वेस्ट जो कि अमोनिया वगैरह हो सकता है या कुछ सॉल्ट हो सकते हैं. इसी तरह से डिफ्यूजन ही यूज करते हैं ये टू अपटेक the dissolved nutrients. या फिर कुछ और जैसे paramecium है तो उसमें एक mouth like structure होता है but it is also present in the plasma membrane. और जो amoeba होता है वो engulf करता है through phagocytosis तो उसमें भी plasma membrane involved होती है. तो plasma membrane जो है basically single cell protozoans की बाहर covering है या integument है. फिर second type जो है this is called pellicle. pellicle latin word है, it means thin skin. it is composed of proteins. ये protein coat होता है जो कि present होता है outside the plasma membrane. It is a semi-rigid structure that transmits the force of cilia or flagella to the entire body of the protozoan as it moves. Plasma membrane उसके ऊपर protein की एक layer होती है, okay? जिसको हम pellicle कहते हैं और ये उसको मजीद protection provide करती है और उसके अलावा shape देती है एक organism को and it also helps in movement of cilia or flagella. एक cilia
सिलिया जो मूव करता है तो उसकी फोर्स को ये नेक्स्ट नेक ट्रांसफर करती है, जिस बीटिंग होती है सिलिया की। फिर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम ही इंटेगमेंट देते हैं, ये प्रेजेंट होता है प्लेटी हेलमेंट्स होते हैं जो, ठीक है, जैसे प्लेनेरिया वगैरह हैं या फिर इससे पहले जो नेडेरियंस वगैरह आते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सिंगल सेल होती है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये देखें आप कॉलम लाइक सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं, इनके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ जो सेल्स हैं उनके पास म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं और इसी तरह से इसमें जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ग्लैंडुलर सेल्स कह रहे हैं जिसके पास ग्लैंड प्रेजेंट है, ये म्यूकस रिलीज करते हैं और बॉडी जो है उसको म्यूकस में कवर करते देते हैं। और इसके नीचे जो है वो बेसल मेम्ब्रेन होती है, सेल ने जो सिक्रीट किया हुआ होता है मटेरियल और कुछ फाइबर्स वगैरह होते हैं प्रोटीन के, तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती है। एंड इसके नीचे जो है वो थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है, फाइबर्स और सेल्स होते हैं, ये इस तरह से ये ओवरऑल जो है वो इंटेगमेंट होती है। इसमें कॉलमनर सेल्स हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और फिर कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये मिलकर इंटेगमेंट बनाती है। और एपिडर्मल सेल्स जो है जो बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं, उनके ऊपर सिलिया होते हैं। सिलिया का क्या काम हो सकता है, बीटिंग करते हैं, मूवमेंट में हेल्प आउट कर सकते हैं, फूड को मूव करा के मतलब ला सकते हैं माउथ तक, और इसके अलावा जो ग्लैंड सेल्स हैं वो म्यूकस रिलीज करते हैं। इस तरह से समटाइम्स क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो कुछ मिनरल्स एक्सक्रीट करते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर यही मतलब आपके पास इंटेग्यूमेंट का स्ट्रक्चर हो और उसके बाहर में कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाए तो उसको फिर उस सूरत में हम शेल कहते हैं। तो शेल इज द फोर्थ टाइप ऑफ द इंटेग्यूमेंट इन द इनवर्टिब्रेट। फिर हम बात करते हैं नंबर फाइव विच इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है ये भी लैटिन वर्ड है और इसका मतलब भी स्किन होता है। इस ये काफी वेरिएबल स्ट्रक्चर है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, जैसे रोटिफर्स हैं, क्या रोटिफर्स ये आपके पास एग्जांपल्स थी प्लेटी हेलमेंट्स के अंदर, और इनकी थिन और इलास्टिक होती है क्यूटिकल, जबकि ये आर्थ्रोपोड्स के ऊपर भी प्रेजेंट होती है, इंसेक्ट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, और उनमें ये काफी थिक होती है और रिजिड होती है। क्यूटिकल के जो फंक्शन है वो ये है कि ये बॉडी को सपोर्ट करती है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन्स इन रिजिड प्लेट्स, और ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के साथ लिंक होती हैं। तो रोटिफर्स को या जो एनलिड्स होते हैं तो उनके ऊपर तो ये सिर्फ एक लेयर होती है जिसने बॉडी को कवर किया होता है, लेकिन जब हम आर्थ्रोपोड्स में देखते हैं तो उसमें तो प्लेट्स होती हैं और उसके ऊपर जो होता है क्यूटिकल वो ज्यादा थिक होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होती है और उसके अलावा जो प्रोटीन्स होती हैं वो लिंक्ड होती हैं। तो फिर वो प्लेट्स जो हैं वो एक रिजिड होती हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं थ्रू फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स, और जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहां पर वो फिर मूव करने में हेल्प आउट करती हैं और उसी के साथ ही मसल्स भी अटैच होते हैं, तो इस तरह से ये मूवमेंट में भी हेल्प आउट करते हैं। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें चूंकि बहुत ज्यादा हार्ड होती है तो उस वक्त फिर एनिमल्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ग्रो नहीं कर सकते, तो फिर उसमें जो प्रोसेस है मोल्टिंग या गैसेस का वो होता है। या तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है क्रस्टेशियंस का और ये इंसेक्ट हैं, ठीक है, तो क्रस्टेशियन जैसे कि क्रैब्स वगैरह और श्रिम्प्स वगैरह वो होते हैं, और इंसेक्ट जैसे फ्लाई वगैरह और एंट्स होती हैं। तो इन क्रस्टेशियंस में और भी ज्यादा थिक होती है, आप देखेंगे ये अपर लेयर को एपिक्यूटिकल कहते हैं और जिसके नीचे एंडोक्यूटिकल होती है या प्रोक्यूटिकल कहते हैं उसको, और उसके आगे से फर्दर लेयर्स हैं जैसे पिगमेंट लेयर है, फिर कुछ कैल्सिफाइड लेयर्स हैं, उसके नीचे एपिडर्मिस होती है और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह से इसके अंदर इंसेक्ट में भी ये प्रोक्यूटिकल में भी लाइक दो लेयर्स हैं, एक्सो एंडोक्यूटिकल और एपिडर्मिस या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो कैल्सिफाइड इज बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट डेपोजिशन, तो इसकी वजह से ये ज्यादा हार्ड हो जाती है और इसमें थोड़ी सी कम हार्ड होती है। क्या आप आइडिया कर सकते क्रैब्स के ऊपर कितना हार्ड सा शेल होता है, जबकि एंट फ्लाइज होती हैं उनके ऊपर थोड़ा कम हार्ड होता है। फिर फाइनली लाइक आपके पास एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम टेग्यूमेंट कहते हैं, इंटेग्यूमेंट या टेग्यूमेंट नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो टेग्यूमेंट जो है इसको हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं कि ये इसके अंदर प्लेटी हेलमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है, ये आपने प्लेटी हेलमेंट्स में भी और फिर एनलिड में भी जो है वो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है। ये वाला स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, हमने कॉम्प्लेक्स सिंसिटियम पढ़ा था, प्लेटी हेलमेंट्स में फ्लूक्स के ऊपर होता है, आउटर लेयर होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के साथ ये सेल बॉडीज के साथ अटैच होती है और न्यूट्रिएंट इंजेक्शन में हेल्प आउट करती है, और इसके अलावा जो होस्ट एंजाइम्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह से जो नेमाटोड और एनलिड्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस जो है वो तो वन सेल थिक होती है लेकिन उसके ऊपर क्यूटिकल होती है, और ये क्यूटिकल आपने एनलिड्स में पढ़ी थी, अपर लिपिड लेयर होती है, फिर उसमें बाद कॉर्टेक्स होता है और फिर मैट्रिक्स लेयर होती है, और इसके नीचे बेसल लेयर और बेसल लमेला वगैरह होती है, तो ये नेमाटोड्स में होती है। इसी तरह से जो काइनोडर्म्स हैं उनका इंटेग्यूमेंट भी थिक होता है, उसमें
सिलिएटेड एपिडर्मिस होती है और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, डर्मिस है बेसिकली, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। थिन एपिडर्मिस थिन होगी लेकिन उसके नीचे थिक लेयर होगी, डर्मिस होगा, थिक डर्मिस होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन होती है। ओके, इसके बाद हम बढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स में, और वर्टिब्रेट्स में जो एंटेगमेंट होती है उसको हम स्किन कहते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन, तो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर स्किन भी ग्रो करती जाती है, तो इट इज सेड टू बी द लार्जेस्ट ऑर्गेन इन वर्टिब्रेट्स। और ये तीन लेयर से मुश्तमिल होती है, आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, और वन सेल थिक भी हो सकती है लेकिन इसमें सेवरल लेयर्स भी हो सकती हैं। फिर उसके नीचे डर्मिस होती है, डर्मिस जो है वो क्वाइट थिकर होती है, इट इज फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। डर्मिस के नीचे जो है वो हाइपोडर्मिस होती है, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यूज हो सकते हैं, फिर उसके अलावा एडिपोज टिश्यूज होते हैं, नर्व एंडिक्स हो सकते हैं, और ये जो है स्किन को जो डीपर टिश्यूज होते हैं या मसल लेयर्स होती हैं नीचे उनसे सेपरेट आउट करती है स्किन को। अब हम इसको देखेंगे डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस के अंदर। तो सबसे पहले तो जॉलेस फिशेस में आपके पास जैसे हैग फिशेस और लैम्प्रेस आ जाती हैं, तो इनकी स्किन जो है वो काफी थिक होती है, और इसमें एपिडर्मल जो है वो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव क्यूटिकल भी सिक्रीट करते हैं। उसके अलावा इनके पास स्लाइम ग्लैंड भी होते हैं जो कि काफी अमाउंट में म्यूकस रिलीज करते हैं, क्या ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पैरासाइट से, और हैग फिशेस को हम इसीलिए स्लाइमीज कहते हैं। ये स्किन का स्ट्रक्चर है बेसिकली सेल्स हैं एपिडर्मल के सेल्स हैं, क्या ये आप एपिडर्मस देखेंगे पूरी जो लेयर है इट इज सेवरल सेल थिक और ये कॉलमनर सेल से बनी हुई है, और इसके ऊपर जो सेल्स हैं जैसे म्यूकस सेल्स हैं इसमें कुछ लार्ज म्यूकस सेल्स हैं, कुछ ग्रैनुलर सेल्स हैं, और ये म्यूकस भी रिलीज करते हैं, और उसके अलावा इन्होंने क्यूटिकल भी रिलीज की हुई है जो कि आउटर इसके बाहर प्रेजेंट है। फिर एपिडर्मस के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे आप देख सकते हैं ये जो ब्राउनिश सी है दिस इज डर्मिस, और इसमें जो है ये फाइबर्स वगैरह नजर आ रहे हैं आपको। और इसके बाद हाइपोडर्मिस है सबसे नीचे ये वाले जो सेल्स हैं, और इसमें कुछ फैट सेल्स भी नजर आ रहे हैं आपको, इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह भी हो सकते हैं। इस तरह से एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस ये तीन लेयर्स हैं जो कि जॉलेस फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर कार्टिलेजिनस फिशेस, शार्क्स वगैरह आ जाती हैं, तो ये जो है इसमें आपको ओवरऑल स्किन का स्ट्रक्चर तो नहीं दिखाया हुआ जैसे पीछे देखे आपने, लेकिन इसमें जो स्पेशलिटी है कार्टिलेजिनस फिशेस की जो कि उनके ऊपर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके मतलब हम कहते हैं स्केल्स होते हैं, वो आपको दिखाया हुआ है इसमें। तो उसके बारे में हम देखते हैं ये भी मल्टी लेयर्ड होती है, इसमें भी म्यूकस सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स भी होते हैं, और जो डर्मिस होती है उसमें बोन होती है या कार्टिलेज होती है विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल प्लेकॉइड स्केल्स, और इनको हम डेंटिकल्स कहते हैं। तो बेसिकली जो डर्मिस होती है उसमें बोन सेल्स होते हैं जो बोन बनाते हैं, और जो एपिडर्मिस होती है उसको कट करके बाहर निकल आती है वो बोन, और ये इसको हम डेंटिकल्स कहते हैं क्योंकि ये बोन वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि टीथ में प्रेजेंट होता है। और इसमें आप देखें बिल्कुल जैसे टीथ का स्ट्रक्चर होता है कि आउटर लेयर में एनेमल है, फिर ये स्ट्रक्चर है क्राउन लाइक, इसको हम डेंटाइन कहते हैं, और इसके नीचे जो है ये सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट है या कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम पल्प कहते हैं, और इसके नीचे कॉम्पैक्ट डर्मिस प्रेजेंट है, और यहीं से ये अराइज कर रहे हैं, और ये देखें ये एपिडर्मिस है। इसके अलावा इसमें कुछ पिगमेंट सेल्स होते हैं और कुछ जो है वो लूज एपिडर्मिस होती है, और क्योंकि कार्टिलेजिनस फिशेस जो है वो बड़ी होती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ, तो इसलिए इनकी स्किन के ऊपर डेंटिकल्स भी नए नए बनते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं। लेकिन जो डेंटिकल्स होते हैं जो पुराने हो जाते हैं वो गिर जाते हैं और वहां से मतलब खत्म हो जाते हैं, और उनकी जगह जो है वो नई डेंटिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ऊपर से वो कोर्स होती है या थोड़ी रफ सी होती है उसकी स्किन, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये सैंड पेपर टेक्सचर प्रोवाइड करती है। सो आप ये कहेंगे कि जो इसकी स्किन होती है उसमें बोन प्रेजेंट होती है, कि बोन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डेंटिकल्स बना रहे हैं। उसके बाद आ जाती है आपके पास टेलियोस्ट्स जो कि बोनी फिशेस होती हैं, इसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स जो है ये आई थिंक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है शेल, या इसको हम हस्क भी कहते हैं, और ये भी डर्मल बोन से बना हुआ होता है। इसमें थिन लेयर होती है डर्मल टिश्यूज की विच इज ओवरलेड बाय सुपरफिशियल एपिडर्मिस एंड इट कवर्स द स्केल्स। बेसिकली ये भी डर्मस टिश्यू है जिसके ऊपर एपिडर्मिस ओवरलैप की हुई है, और एक स्केल एक जो लेयर है एपिडर्मिस की वो नीचे है और ये थोड़ा सा ऊपर निकले हुए हैं उससे। तो इस तरह से इसके ऊपर जो दो लेयर्स होती हैं, एक ने बिल्कुल सराउंड किया हुआ होता है बोन को और एक उसके नीचे भी प्रेजेंट होती है, तो ये स्केल्स को कवर करती है। एपिडर्मिस जो होती है उसमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं, वही फंक्शन है इसके, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ये समटाइम्स इरिटेटिंग और पॉइजनस एल्कलॉइड सिक्रीट करते हैं, एल्कलॉइड केमिकल्स होते हैं जो कि ये अपने प्रोटेक्शन के लिए या डिफेंस के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा एपिडर्मिस में फोटोफोर्स हो सकते हैं, फोटोफोर्स आर बेस
बेसिकली सेल्स दैट बियर सम ल्यूमिनेसेंट मटेरियल, और ये जो है ये लाइट एमिट करते हैं. तो बहुत सारी फिशेज ऐसी होती हैं विद लाइक आर फ्लोरेसेंट व्हेन इट्स डार्क, तो ये लाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं इनके अंदर. फिर सेकेंड लेयर जो है वो डर्मिस है, इट इज रिचली सप्लाइड विद कैपिलरी बेड्स टू फैसिलिटेट इट्स यूज इन रेस्पिरेशन. तो डर्मिस जो है वो रेस्पिरेशन में भी यूज होती है और इसमें बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं. अच्छा, इसमें एक और चीज होती है जिसको हम ग्रोथ लाइंस कहते हैं. बेसिकली जो इनके स्केल्स होते हैं ये मार्जिन्स पे ग्रो करते हैं एंड ओवर द लोअर सर्फेस, मतलब ये डेंटाइन की तरह गिरते नहीं है, लेकिन अगर जब फिशेस बड़ी हो रही होती हैं तो ये मार्जिन्स पे या लोअर सर्फेसिस पे ग्रो करते हैं. तो जब ये लाइक ग्रो करते हैं तो उससे एक नई ग्रोथ लाइन बन जाती है. जिस तरह से हम प्लांट में देखते हैं जब जाइलम एक नई बनती है तो उससे एक नई ग्रोथ लाइन बन जाती है. सो वी कैन डिटरमिन एज ऑफ ट्रीज बाय दोज रिंग्स. इसी तरह से फिशेस में भी हम ये ग्रोथ लाइन की मदद से इनकी जो एज है वो डिटरमिन कर. उसके अलावा इनकी जो स्किन है वो गैस एक्सचेंज में रोल प्ले करती है. अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर कि जैसे ये डर्मिस है, डर्मिस की दो लेयर्स हैं, एक बिल्कुल ऊपर को निकली हुई है और उसके ऊपर ये आपके पास एपिडर्मिस है. इस तरह से एक ये डर्मिस नीचे है और ये एपिडर्मिस. सो बेसिकली इसमें जो स्किन है और इनका स्केल भी वो दोनों बने तो इसी से हुए हैं, डर्मिस से और एपिडर्मिस से. इसमें से हाइपोडर्मिस नहीं होती है. और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एम्फीबियंस. एम्फीबियंस के इसमें भी दो लेयर्स होती है, दो या तीन, हाइपोडर्मिस, स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस है और डर्मिस है. स्ट्रेटिफाइड डेराइव्स फ्रॉम स्ट्रेटा. स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स. एपिडर्मिस में काफी सारी लेयर्स होती है इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस कहती है. इसके अंदर कुछ नर्व एंडिंग्स होती है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है और कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे वॉर्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं. तो जो टोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम वॉर्ट्स कहते हैं. फिर डर्मिस होती है नीचे जो कि म्यूकस और सीरस ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर. उसके अलावा उसमें पिगमेंटेशन सेल्स होते हैं. इसमें क्या होता है हमारे पास फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ एम्फीबियंस. हमने फिशेस की स्किन में को नहीं देखा कि उनके पास ये जो लेयर है एपिडर्मिस की उसमें स्ट्रेटिफिकेशन नहीं थी और उनके ऊपर स्केल्स थे, जबकि एम्फीबियंस इनके अंदर पिगमेंट लेयर भी आ गई है एक और के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन भी है. क्या लूज फाइबर्स, डेंस फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट है और डर्मिस जो है वो बहुत ज्यादा थिक है एपिडर्मिस के नस्बत. जबकि पीछे जो देखा था उसमें डर्मिस इतनी ज्यादा थिक नहीं थी, तो इसमें डर्मिस की जो लेयर है वो ज्यादा थिक होती जा रही है. अब इसका क्या फायदा है इनको, क्योंकि ये तो आगे है लैंड के ऊपर ना, फिशेस तो सारी पानी में है तो वो प्रोटेक्टेड है, उनको पानी की कमी नहीं है. लेकिन एम्फीबियंस ने दोनों जगह रहना है, उन्होंने लैंड में भी रहना है, उन्होंने वाटर में भी रहना है, तो इसलिए इनके स्किन में अब अडेप्टेशन हो गई हैं. तो इट माइट शो के जी एम्फीबियंस जो हैं दे हैव अरोज फ्रॉम फिशेस और इन्होंने उनकी स्किन के कुछ फीचर्स अडेप्ट किए हैं, बट फिर देन कुछ इन्होंने नी जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से भी इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है या चेंज किया है. तो लाइफ ऑन लैंड पे प्रॉब्लम्स क्या है, इनके पानी कमी होती है, जेरासिकेशन हो सकती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है जैसे यूवी लाइट से जो है वो एक्सपोजर हो सकता है और उसके अलावा फिजिकल एब्रेशन हो सकती हैं. तो इसलिए इन्होंने अडेप्टेड किया है खुद को किस तरह कि इनके स्किन में कैरेटिन प्रेजेंट है. कैरेटिन इज अ प्रोटीन और ये प्रोटीन जो है ये स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है. यहाँ एपिडर्मिस जो है इसमें कैरेटिन की लेयर है सबसे ऊपर जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है फिजिकल एब्रेशन से और इसी तरह से जो यूवी लाइट होती है उसको उससे बचाती है. जो सेलुलर अंदर सेलुलर मटीरियल है, न्यूक्लियस मटीरियल, आपको पता है जो डीएनए होता है उसके ऊपर यूवी लाइट इफेक्ट करती है तो उसको म्यूटेशन कॉज कर देती है. इसलिए इसको जो है वो कैरेटिन इसको प्रोटेक्ट करती है. इस तरह से म्यूकस सेल्स होते हैं इसके अंदर डेसिकेशन से बचाते हैं, बॉडी को स्लाइमी वगैरह बनाते हैं. और इसके पास कुछ पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं या कुछ और पिगमेंटेशंस होती हैं जो कि इनको बहुत कलरफुल सा बना देती हैं, लेकिन बेसिकली वो पॉइजन होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, कोई प्रीडेटर उसको खा नहीं सकता है. पॉइजन ग्लैंड्स भी होते हैं इनके स्किन के ऊपर. तो इट हैज लाइक किस तरह से उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं और इनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और फिर उन्होंने क्या अडेप्टेशन की हुई हैं जिसकी मदद से ये आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं. ये इनका स्ट्रक्चर है कि एपिडर्मिस जो है वो कंपैरेटिवली थिन है लेकिन उसके ऊपर कैरेटिन प्रेजेंट है और फिर डर्मिस है जो कि काफी थिक है, उसमें पिगमेंट लेयर्स हैं, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, सीरस ग्लैंड हैं. सीरस ग्लैंड जो होते हैं ये प्रोबेबली पॉइजन ग्लैंड्स हैं जो पॉइजन रिलीज करते हैं या कुछ और इस तरह के मटेरियल्स रिलीज करते हैं. फिर इसमें लूज फाइबर्स हैं और फिर डेंस फाइबर्स हैं. फिर हमारे पास आ जाते हैं रिप्टाइल्स. अब एम्फीबियंस पानी और लैंड दोनों के ऊपर रहते हैं, बट हम देखते हैं अगर आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जैसे फ्रॉग्स होते हैं तो वो हमें सिर्फ कहाँ मिलते हैं,
हमें जैसे गार्डन्स पे मिलते हैं या ऐसी जगहों पे मिलते हैं जो थोड़ी नमी वाली होती हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्रेफर करते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनका पानी जो है वो बिल्कुल एवेपोरेट ना हो जाए। जबकि रेप्टाइल्स के बारे में हम जानते हैं कि ये तो बिल्कुल खुश्की के जानवर होते हैं जो बहुत ज्यादा ड्राई लैंड्स के ऊपर रहते हैं, डेजर्ट में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनकी स्किन जो है वो फर्दर मॉडिफाइड है फॉर देयर टाइप ऑफ लाइफ। सो स्किन शो ग्रेटर कमिटमेंट टू टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस। लेयर्स उसकी क्या होती है, एपिडर्मस है उसके ऊपर, और एपिडर्मस जो है मॉडिफाइड है। एपिडर्मस के ऊपर की जो सबसे ऊपर की लेयर है वो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो क्या है, बेसिकली इसमें कैरेटिन डेपोजिशन होती है और ये डेड सेल से बनी हुई होती है। जो सेल्स डेड हो जाते हैं ऊपर आते हैं और उनके अंदर कैरेटिन की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है और वो काफी थिक लेयर हो जाती है। इनके ऊपर हमें पता है जैसे ये इनके स्किन के ऊपर छिलके होते हैं, तो वो जो छिलके हैं वो बेसिकली स्ट्रेटम कॉर्नियम से बनते हैं। ठीक है, और ये इनको एब्रेशन से बचाती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है, और इसके अलावा सूट ऑफ आर्मर। तो जैसे हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं उनके ऊपर आर्मर प्रेजेंट होता है, तो ये भी बिल्कुल एक मतलब कि एनकेसमेंट कह लो, केस की तरह का काम करता है जो कि उसको सराउंड करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। एक और जो इनकी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनके पास ग्लैंड नहीं होते हैं, इनको ग्लैंड की जरूरत नहीं होती, म्यूकस तो इनको चाहिए नहीं होती है क्योंकि इनके पास तो थिक सी और ड्राई सी स्किन होती है। और फिर जो इनकी केराटिनाइज्ड लेयर होती है इट इज मॉडिफाइड इनटू स्केल्स, क्रूट्स, रैटल्स जैसे कछुए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फिर इनकी बीक्स हो सकती हैं, क्लॉज हो सकते हैं, लेग्स हो सकते हैं जैसे सांप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनी क्रेस्ट होते हैं, जो बहुत सारी मॉडिफाइड शक्लें हैं इसकी स्किन की केराटिनाइज्ड फॉर्म में जो कि प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसके अंदर भी मोल्टिंग होती है कुछ एनिमल्स के अंदर, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो अपनी स्किन उतार देते हैं। सांप लाइक इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। स्किन देख लें आप इसकी, एपिडर्मिस है ये, लाइक नीचे लेयर्स हैं क्या, और इसने ऊपर जो है वो केराटिनाइज्ड लेयर्स बनाई हुई है। तो इस हिसाब से इसको फिर हम डिफरेंट नाम भी दे देते हैं कभी कभी। स्टेटम जर्मिनेटम सबसे नीचे लेयर है, फिर ग्रैनुलोसम है, ये ग्रैन्यूल्स वगैरह होंगे इसमें, और सबसे ऊपर कॉर्नियम है। फिर एपिडर्मस के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसके नीचे डर्मिस है क्या, पिगमेंट लेयर्स हैं, डेंस फाइबर्स हैं। इसमें देखिए आपको कोई भी ग्लैंड सेल्स नजर नहीं आ रहे, आपको सिर्फ ब्लड वेसल्स और लूज फाइबर्स वगैरह नजर आ रहे हैं। सो दिस इज रेप्टिलियन स्किन, इट इज एक्सेप्ट ड्राई। इसके बाद क्या आएगा, बर्ड्स। तो जो बर्ड्स होते हैं इनके ऊपर फैदर्स होते हैं, सो ये भी थोड़े से रेप्टाइल्स की तरह के ही होते हैं। इनके पास भी कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं, एपिडर्मल ग्लैंड्स नहीं होते हैं इनके पास, लेकिन इनकी जो एपिडर्मस होती है वो जरा थिन लेयर होती है। ठीक है, इनके ऊपर सॉफ्ट केराटिनाइज लेयर होती है और उसके ऊपर जो है फैदर्स होते हैं। जिस तरह से रेप्टाइल्स के स्केल्स होते हैं मतलब जो केराटिनाइज लेयर से बने हुए होते हैं, इसी तरह से इनके जो फैदर्स होते हैं वो भी केराटिनाइज लेयर से बने हुए होते हैं, लेकिन इनके एपिडर्मस जो है वो थिन लेयर होती है। इसलिए हम बर्ड्स को कभी कभी थिन स्किन भी कहते हैं कि इनके पास जो स्किन है वो थिन होती है। एपिडर्मिस के अलावा इनकी जो सेकेंड लेयर है वो डर्मिस है, ये बिल्कुल भी रेप्टाइल्स की तरह होती है, इसमें बाकी चीजें होती हैं, ग्लैंड्स वगैरह नहीं होंगे लेकिन इसमें ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स होंगे, नर्व्स और सेंसर्स होंगे, सेंसरी सेल्स वगैरह होंगे। फिर इसमें जो एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं उनके अंदर फैट डेपोजिशन होती है, ये क्यों होती है, क्योंकि ये उनको ठंड से बचाती है। फिर स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, ये फैदर की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं, और इसके अलावा इनके पास एयर स्पेसेस होती हैं फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट एक्सटेंड टू डर्मिस, और ये थर्मल रेगुलेशन में काम करती है क्योंकि हवा में होते हैं ना परिंदे, वहां पे तो गर्मी फिर और भी ज्यादा होती है, तो इसलिए इनके पास ये मॉडिफिकेशन है कि इनकी जो एयर स्पेसेस हैं वो इनकी डर्मिस तक एक्सटेंड की हुई होती हैं और ये इनको थर्मल रेगुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। स्किन देख लें आप इस मतलब एपिडर्मिस में जो है वो दो लेयर्स हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम है लेकिन और जर्मिनेटम है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सो आप देख सकते हैं कि इसकी जो अपर लेयर है वो थोड़ी सी मतलब थिन है एज कम्पेयर टू रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में वो ज्यादा थिक है। उसके बाद डर्मिस है, उसमें कोलेजन फाइबर्स वगैरह हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ एयर स्पेसेस होंगी और स्मूथ मसल फाइबर्स होंगे जो कि फैदर्स की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। यही जो कॉर्नियम होती है इसी से मतलब जब होते हैं तो इसी के ऊपर जो है वो फेदर डेवलप होते हैं, इसी से फॉर्म हो। चलें, सारा इनवर्टिब्रेट्स का और वर्टिब्रेट्स की स्किन हो गई, और इसके बाद जो है वो मेमेलियन स्किन है जिसमें हम ह्यूमन स्किन पढ़ते हैं।